तो दोस्तों, शॉर्ट वीडियो वर्सेस लॉन्ग वीडियो कौन से आजकल बेस्ट जा रही हैं, मैं अपनी ओपिनियन आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, काफ़ी लोग शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी वीडियो लॉन्ग बना रहे हैं, काफ़ी दोनों बनाते हैं। तो दोस्तों, मेरी ओपिनियन इसके तहत क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, शॉर्ट्स वीडियो पे YouTube बहुत जल्दी इंप्रेशन देती है, व्यूज़ आते हैं। अगर आपकी वीडियो कोई अच्छी होती है ना, हर वीडियो पे व्यूज़ तकरीबन सबके आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, होना क्या है, लॉन्ग वीडियो वर्सेस शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो से बहुत ज़्यादा अर्निंग है, शॉर्ट वीडियो से अर्निंग कम है लेकिन ग्रोथ ज़्यादा है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप न्यू है ना YouTube पे, न्यू चैनल क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो पहले शॉर्ट चैनल क्रिएट करें, आप शॉर्ट्स वीडियो बनाएं, 100-200 वीडियोस बनाएं शॉर्ट्स, इससे आपकी ऑडियंस आ जाएगी, आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपके पास सब्सक्राइबर आ जाएंगे। उसके बाद उसी डे रिलेटेड टॉपिक पे बोले सब्सक्राइबर को, शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पे, आज भी देखिएगा, एक लॉन्ग वीडियो आप भेजें। उसके बाद क्या होगा, आपकी पहली लॉन्ग वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आएंगे, क्या पता वायरल भी हो जाए, नहीं होगी तो कुछ व्यूज़ तो आ ही जाएंगे। ऐसे ही आपने फिर 3-4 शॉर्ट बनानी है, फिर एक लॉन्ग वीडियो बनानी है, फिर 3-4 शॉर्ट्स बनानी है, एक लॉन्ग वीडियो बनानी है। इस तरह आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, आपको लॉन्ग सब्सक्राइबर शॉर्ट सब्सक्राइबर दोनों मिल जाएंगे। तो दोस्तों, फिर देखना है आपने, अब आपको लॉन्ग वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आने लग गए हैं ना, तो लॉन्ग वीडियो ज़्यादा बनाना, शॉर्ट्स हफ्ते में दो बनाना, इस तरह आपका चैनल बूस्ट करता जाएगा, आप शॉर्ट से लॉन्ग से दोनों से अर्निंग कर पाएंगे। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जो आप मिक्स वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपके लिए ये टिप्स हैं। तो दोस्तों, मिक्स वीडियो अपलोड करते हैं करिए, लेकिन जो शॉर्ट्स बनाते हैं ना, उससे रिलेटेड लॉन्ग भी बनाइए, यानी दो कम्बिनेशन रखिए। एक शॉर्ट्स वीडियो में कुछ बताते हैं, उनको बोलिए इस पे फुल टॉपिक है, इस पे फुल वीडियो, यानी लॉन्ग वीडियो इस पे मौजूद है वो देखना, उसकी ऐसे करके थंबनेल दिखा देना। तो दोस्तों, इससे ये होगा, आप लोगों की शॉर्ट्स ऑडियंस लॉन्ग में डाइवर्ट हो जाएगी, जिसको ज़रूरत होगी उस टॉपिक की। तो दोस्तों, यही होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं खाली लॉन्ग वीडियो ही बनाते हैं, अगर लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ लॉन्ग वीडियो को कंटिन्यू करें। अगर आप रो रहे हैं व्यूज़ को, तो मैं कहता हूँ शॉर्ट्स भी शुरू कर दें आज से ही। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है, 3 लॉन्ग वीडियो भेजनी है, 2 शॉर्ट्स भेजनी है, फिर 3 लॉन्ग 2 शॉर्ट्स, या 3 शॉर्ट्स 3 लॉन्ग, यानी मिक्स बना ले, एक दिन शॉर्ट्स एक दिन लॉन्ग। इस तरह आपका चैनल ग्रो होने के चांस बढ़ जाएंगे, महीने 2 महीने में जाकर, फौरन नहीं होगा, एटलीस्ट को एट अ टाइम कोई नहीं होता, ये वही किस्मत के धनी लोग होते हैं ना, वही कामयाब होते हैं, ऐसे जो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ना, वो ऐसे ही कामयाब होते हैं। ओके दोस्तों, इस पे अमल करिएगा, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा शॉर्ट वीडियो वर्सेस लॉन्ग वीडियो कौन सी आपके लिए बेस्ट हो सकती है।